बहुत लंबा है झालर। चलिए अच्छी बात है, ये वाला लास्ट है ना, इला अंतिम हो गया ला। सभी को प्यार भरा नमस्कार, मैं हूँ देवाशीष नायक और मेरे चैनल देवाशीष नायक ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। और अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और आज मुझे थोड़ा भी टाइम नहीं मिला ब्लॉग बनाने का, क्योंकि सुबह से मैं लगा हुआ था, कभी बाल कटाने सुबह से चल गया था, उसके बाद वहाँ से ये बांस काटना पड़ा हम लोगों को झंडा के लिए। विकास और मैं, खास तौर पर विकास ने ये बांस को काटा है, तीन बांस जो कि झंडा के लिए ये लगाया जाएगा, तीन बांस है। इसको लेके हम लोग खरसवां भी जाने वाले हैं अभी, और इधर से आ रही है श्री आलम और साथ में है पिंकी और उधर मोटू, अच्छा दिख रहा है कि नहीं, तीनों आ रहे हैं। और अभी हम लोग निकलेंगे खरसवां के लिए, और अभी सुबह के 11:34 हो रहे हैं और हम लोग काली मंदिर प्रांगण पहुंच चुके हैं और यहां पर हम लोग का कार्यक्रम होने वाला है। इस स्थल पर यहां पर स्टेज भी बनने वाली है और प्रभात जी इधर हैं और कुछ हमारे मेम्बर्स हैं उधर कार्यकर्ता, और यहाँ पर लगे हुए हम लोग तैयारी के लिए। ये पूरा साफ़ सुथरा करना है क्योंकि यहाँ पर बीच बीच में पार्टी वगैरह होते रहती हैं, यहाँ पर विवाह समारोह या फिर बहुत सारे चीज़ यहाँ पर होते रहती हैं। तो यहाँ पर स्टेज बनने वाली है, यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर नीचे बैठ कर इस भागवत गीता का ज्ञान लेने वाले हैं, और यहाँ पर यहीं पर स्टेज बनने वाली है और स्टेज यहाँ पर सीधा बनेगी, उस तरफ श्रद्धालु लोग देखेंगे और साथ ही एक तरह से एक शेड बना हुआ है यहाँ पर हम लोगों का काली मंदिर प्रांगण में, तो उधर चलते हैं हम लोग। दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और अभी हम लोग जाने वाले हैं सरायकेला के लिए, तो अभी हम लोग निकल चुके हैं, ये रास्ते में है। निकल रहे हैं और अभी 1:17 हो रहे हैं और ये बैनर हम लोग लेके जा रहे हैं अभी, जो कि बैकग्राउंड में लगेगा ये बैनर, तो फिलहाल हम लोग बहुत व्यस्त हैं और इसको लेके जा रहे हैं अभी हम लोग खरसवां। चार 4:38 हो रहे हैं और मेरा जो कंडीशन है पूरा ख़राब है, क्यों ख़राब है बता रहा हूँ। ये देखिए स्कूटी में मैं इस तरह से पकड़ा हुआ हूँ, खाली है और ये पूजा का पूरा सामान है यहाँ पर, दो पेटी चल गई है पहले और ये फिर हम लोग लेके जा रहे हैं कमरिया से उधर आए, फिर इधर हम लोग लेके जा रहे हैं प्रभात जी के साथ स्कूटी में। कंडीशन बहुत ही ख़राब है, इस तरह से पकड़ के जाना पड़ रहा है और मैं पूरा लास्ट में बैठा हुआ हूँ। यहाँ पर और काफ़ी काम बचा हुआ है और हम लोग काम में लगे हुए हैं। शाम के 7:42 हो रहे हैं और अभी हम लोग खरसवां के 12 चौक से निकल चुके हैं और हमारे साथ जितेंद्र जी हैं। नमस्कार। नमस्कार। अभी हम लोग काम में ही पूरा व्यस्त हैं, इधर उधर हम लोग का जाना आना हो ही रहा है। अभी हम लोग काली मंदिर प्रांगण पहुंच चुके हैं और झालर भी लेके आए हुए हैं, झालर यहाँ पर टांगना है बाहर में, तो ये है झालर, ये बनाया गया है कालीचरण जी के साथ, कालीचरण जी ने बनाया है ये झालर, कालीचरण जी के द्वारा बनाया गया है। जी जी, क्या हुआ? नहीं, इधर बस आया है थोड़ा सा, नहीं आएगा यहाँ पर कोई, हम इनको खोज नहीं आए, रस बिहारी जी तो चलिए ना। और ये झालर टांगने के लिए हम लोगों को सीढ़ी चाहिए, लेकिन सीढ़ी नहीं मिल रहा हम लोगों को, तो सीढ़ी हम लोग खोज रहे हैं। बोलिए, रात को सीढ़ी खोजना होगा। हाँ बोलिए ना, पता नहीं किसका घर में होगा, हम लोग तो पता नहीं कहाँ है, यहाँ पर देखते हैं मांग के, किसी के पास अगर सीढ़ी होगा तो ले लिया जाएगा। लाइटिंग यहाँ पर थोड़ा सा कम है उस जगह में,
सीढ़ी हम जाते हैं घर में। अच्छा चलिए लोहा है ना का जी? जी, लोहा। बाप रे भारी है ये तो। ठीक है ना, उठाना तो पड़ेगा। चलिए मोबाइल छोड़िए, अभी पकड़िए जी। रस बिहारी जी लेके आ रहे हैं सीढ़ी को, हम लोग के साथ हैं। आइए आइए लेके आइए, रस बिहारी जी लेके आ रहे हैं। हम लोग बारा चौक में हैं अभी, और वहाँ जाएंगे हम लोग काली मंदिर के बगल में। हाँ तो यंग आदमी है ना, यंग आदमी है ना, हम लोग थोड़ा सा झालर वगैरह है जो कि हाँ अच्छा सा झालर है। जितेंद्र जी यहाँ पर झालर को ये करते हुए, और ये वाली सीढ़ी जो है 5.5 फीट की सीढ़ी है, यहाँ पर हम लोग झालर बांधने वाले हैं। तो हमको तो अजीब फील हो रहा है, झालर बांधने के लिए बहुत लंबा सीढ़ी लेके आए हम लोग। हमको लग रहा है एक तरह से देखा जाए तो हमारी ऊंचाई और ये थोड़ा बहुत हो जाएगा बस, हमारी तो 6 फीट हमारे साथ, 6 से ज़्यादा लंबा है, थोड़ा सा 6 फीट से ज़्यादा लंबा होगा, है कि नहीं जी? उसको वहाँ पर रख दीजिए ना आप। अरे ये कौन सा ही है? पहुँच जाएगा, आराम से पहुँच जाएगा। यही वाला वो टेलर है क्या? कालीशरण जी, कालीशरण चलिए नाम कर दे। लेकिन एक बात है इसमें और अलग रस्से से बांधने का अच्छा है। नहीं नहीं ऐसे ही लपेट के बांध दिया जाए, अच्छा लगेगा इसी लपेट के। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बांध दिया ना, बांध दिया आप लोग। और ये काली मंदिर का प्रांगण है, बाहर का नज़ारा है, और यहीं पर कार्यक्रम होने वाला है। करके आप सीढ़ी पकड़, अच्छा सीढ़ी पकड़, इसे एडजस्टिंग कर सकते हैं आप। और जितेंद्र जी ऊपर चढ़ गए हैं, चलो ना पूछ रहे हैं जी, ये आप पकड़े में अच्छा से पकड़े हुए हैं जी, नहीं गिरेगा, चलिए ना पकड़े हुए हैं अब, ठीक है ना, अब बांधिए अब ठीक है। और जितेंद्र जी ऊपर चढ़ गए हैं पूरा, और झालर बांधते हुए, और झालर बांधते हुए हम बहुत लंबा है झालर। चलिए अच्छी बात है, ये वाला लास्ट है ना, इला अंतिम हो गया ला, वहाँ तक पहुँचेगा क्या? ओला खोलिए ये सब, नहीं तो गांठ लग जाने से दिक्कत हो जाएगा। पहुँच नहीं पहुँचेगा, उतना दूर तक नहीं पहुँचेगा, वो वाला पोल तक नहीं पहुँचने वाला, ओला पोल तक नहीं पहुँचेगा। अभी रात के 2:40 हो रहे हैं, और कल की वीडियो के मैंने एडिटिंग कंप्लीट कर ली है, और कल के ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।